हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का इवनिंग सेट का पेपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर भी टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी कवर किए हुए थे, हम लोग इसको भी ऑनेस्टली कवर किए हुए थे। सो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज वैल्यूज। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री लिखना था। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना था, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर लिखना था, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक्सप्लेन करना था, उसका एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना था, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सब चीज़ को एक्सप्लेन करना था। 2-3 पेज का ये पूरा का पूरा आंसर होता, और ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, हमारे नोट्स में थे ये, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन स्टेट। स्टेट का मतलब कल ही हम लोग आपको समझाए थे स्टेट का मतलब क्या होता है, और एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें स्टेट मेंशन था, स्टेट का पूरा डेफिनेशन मेंशन था, उसको आपको जस्ट एक्सप्लेन करना था और जस्ट प्रीएम्बल के फीचर्स को एक्सप्लेन करना था, सिंपल। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो 1 को अटेम्प्ट किया होगा, सिंपल से बात है। आइए नंबर टू में देखिए, मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप लोग को लिखना था, सारा का सारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 अवेलेबल है, तो 10 को एक्सप्लेन करना था अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए, लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, लीगल सिग्निफिकेंस मतलब इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सिबल, वो वाला क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना था, ठीक है। तो नंबर 2 का भी क्वेश्चन से आप लोगों को ए वाला मैच कर गया होगा, एंड नंबर 1 का भी क्वेश्चन से आप लोगों को ए नंबर मैच कर गया होगा। तो ओवरऑल CV का पेपर सबका ही अच्छा गया, मॉर्निंग, इवनिंग, डे सबका अच्छा गया, और मैं ये नहीं बोल सकता CV का पेपर किसी का भी खराब गया, नहीं, सबका अच्छा गया।